नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं अनुराग सिंह आपका स्वागत करता हूँ। आप सीएम हेल्पलाइन और जनसुनवाई पोर्टल के बारे में जानते ही होंगे और बहुत हद तक संभव है कि आपने कभी कोई शिकायत दर्ज कराया हो सकता है आपको समाधान मिला हो और संतुष्ट रहे हों, नहीं की स्थिति में आपने फीडबैक देने का प्रयास किया हो या फीडबैक दिया हो। और फाइनली सीएम हेल्पलाइन से फोन आए होंगे आपके यहाँ फीडबैक लेने हेतु। तो कैसे फोन कॉल आते हैं और फोन कॉल में किस तरह से बात की जाती है, कितने देर तक बात की जाती है, कितना पूछा जाता है, कितना बताया जाता है, इसके बारे में आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। जो मेरा अपना अनुभव है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने एक भू माफिया की शिकायत की थी आजमगढ़ जिले के लालगंज तहसील से संबंधित एक गांव है कुढ़ारा, जहाँ पे भू माफियाओं ने मिलकर ग्राम सभा की जमीन जो भीटा है जिसका नंबर 652 ख है पे कब्जा कर लिया था। इस बारे में मैंने शिकायत किया 1076 पे कॉल करके, तो मुझे शिकायत संख्या दी गई 9181 94 07 27। और मैंने इसका फीडबैक भी दिया असंतुष्ट होने पर। और फाइनली दो फोन कॉल मुझे आए जो मैंने रिसीव किया, जिसमें कहा गया कि मेरा फीडबैक लेने में सीएम हेल्पलाइन असमर्थ है और आगे फोन किया जाएगा भविष्य में, जिसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। और इस वीडियो में मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज 1 नवंबर को दो फोन कॉल मुझे आए सीएम हेल्पलाइन से, 4:23 पे जिसकी ड्यूरेशन थी 46 सेकेंड 46 सेकेंड। 46 सेकेंड तक मैं हेलो करता रहा, पर फोन कॉलर ने कुछ भी नहीं कहा, ना कुछ पूछा ना कुछ बताया, और फोन को काट दिया गया। उसके ठीक 1 घंटे बाद 5:23 पर दूसरा फोन आया, जिसे मैं सिर्फ रिसीव कर पाया हूँ, सिर्फ 1 सेकेंड का ड्यूरेशन थी और फोन कॉलर ने फोन काट दिया। तो इस तरह से सीएम हेल्पलाइन फीडबैक लेता है, वो भी भू माफिया के संबंध में अगर शिकायत की गई हो तो। भू माफिया की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जैसे ही मुख्यमंत्री बने, उन्होंने भू माफिया के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया। अब इस अभियान के तहत बहुत से भू माफियाओं को हटाया गया, जिन जमीनों से जहाँ पर उन्होंने कब्जा कर रखा था। ऐसा भी नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से असमर्थ रहे हैं अपने प्रयास में, पर अधिकारियों की कार्रवाई न करने की जाने की स्थिति में, जैसा कि नियम है सीएम हेल्पलाइन फीडबैक लेने के लिए फ़ोन करता है और पुनः कार्रवाई करने के लिए संबंधित अधिकारी को कहा जाता है। पर अब तो स्थिति ये बन गई है कि सीएम हेल्पलाइन से फ़ोन तो आते हैं पर फ़ोन करने वाला कुछ भी नहीं पूछता। अब मैं आपको उस फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा, कॉल हिस्ट्री की वीडियो रिकॉर्डिंग, जिसमें बताए गए फोन कॉल्स आए हैं। ये है रिकॉर्डिंग फोन कॉल्स की जो मुझे सीएम हेल्पलाइन से किया गया था। नंबर आप देख पा रहे हैं 2723479। जो पहली कॉल आई थी उसका डिटेल देख लिया जाए, इसका डिटेल्स है कि ये 4:23 पर आया था और 46 सेकंड तक यह कॉल चली थी। मैं हेलो कहता रहा पर उधर से कोई भी बात नहीं पूछी गई, कोई भी बात नहीं बताई गई। इसी तरह से फीडबैक फ़ोन कॉल आते हैं। और इसके कुछ देर बाद एक फ़ोन और आया इसी नंबर से, इसका भी ज़रा डिटेल्स देख लेते हैं। ये फ़ोन कॉल आई है 5:23 पे, ठीक 1 घंटे बाद, और इसका जो ड्यूरेशन है वो 1 सेकेंड का है। मतलब फ़ोन आया और मैंने रिसीव किया और फ़ोन काट दिया गया।
अब इतने से आप समझ लीजिए कि फोन कॉल्स क्यों आते हैं फीडबैक के लिए और किस तरह से पब्लिक के साथ बिहेव किया जाता है, कितना उनसे पूछा जाता है, कितना जाना जाता है। यही है सत्य सीएम हेल्पलाइन का।